बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 वर्ण और वर्णमाला का आज आपको रिवीजन कराने चल रहा हूँ। तो बच्चों, आइए हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुख से जो भी आवाज या ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है या वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है, उनके लिखने का जो ढंग है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह से तात्पर्य यह है कि अ, आ, ई, ई, उ, जो ये क्रमशः जो लिखे जा रहे हैं, इनका जो व्यवस्थित समूह है कि अ के बाद में आ ही आएगा और ई के बाद में बड़ी ई ही आएगी, बड़ी ई के बाद में छोटा उ ही आएगा, यह जो इनके लिखने का जो एक व्यवस्थित समूह है या व्यवस्थित क्रम है, इसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, आइए हम वर्णों के भेद के बारे में जानकारी करें कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा जो है वह व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण के कितने भेद हुए? दो भेद। बच्चों, जब हम आइए अब हम स्वर की तरफ चलें। स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि स्वर किसे कहते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं या ये कितने होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता या जरूरत नहीं महसूस होती, वहां पे क्या होता है? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण जो है वह 11 होते हैं। कितने? 11 होते हैं। अब आइए हम व्यंजन की तरफ चलें कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण वह है जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि व्यंजन वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, किसी भी व्यंजन वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं, तो उसमें ए की मात्रा, ए जो है वह जुड़ा रहता है। जैसे जब हम क बोलते हैं तो क लास्ट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो जो भी व्यंजन वर्ण है वह हमेशा ही स्वरों की सहायता से ही बोले जाएंगे। ये व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन जो है वह 39 होते हैं। कितने होते हैं? 39 व्यंजन होते हैं। अब आइए हम देखें कि ये व्यंजन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि क वर्ग है, क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग है च छ ज छ ञ, ट वर्ग है ट छ ड ढ ड, त वर्ग है त थ द ध न, प वर्ग है प फ ब भ म, उसके बाद में है य र ल व, श ख स ह, फिर है छ त्र ज्ञ और स्र। अब इन व्यंजन वर्णों में हम यह देखते हैं कि जो इसका ट वर्ग है, ट वर्ग ट थ ड ढ ड और ढ और ढ, ये जो इनका ये व्यंजन वर्ण ये है ट वर्ग है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इन्हें हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने के, जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीवा जो हमारी है, जो हमारी जीभ है, वह हमारे मुंह में कहीं न कहीं जो है स्पर्श जरूर करती है। जैसे आप खुद ही उच्चारण करेंगे ट ठ ड ढ इत्यादि, जो भी उच्चारण हम ट वर्ग से संबंधित व्यंजन वर्णों की करेंगे, तो हमारी जीवा जो है वो जरूर ही मुंह के किसी न किसी भाग में स्पर्श जरूर कहेगी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके उपरांत हम आइए देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, ये जो है
ये र ल व इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, इसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त करें। तो जब हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो आवाज या जो भी वायु निकलती है उसका प्रवाह जो है वह अंदर की ओर होता है। मतलब हमारी मुख से वायु निकलती नहीं बल्कि अंदर की ओर जाती है। जैसे आप इनका उच्चारण करेंगे, य र ल व, तो हम ये देखते हैं कि हमारे मुख से जो आवाज है जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसकी वायु हमारे मुंह में अंदर की ओर जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आपने जाना। इसके बाद हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हम देखेंगे कि श, ख, स और है, ये जो चार वर्ण हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। अब ऊष्म या इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब हम इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं, तो बच्चों जब हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें अत्यधिक जो है वो बल लगाना पड़ता है बोलने के लिए, या जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वह बहुत संघर्ष करती हुई निकलती है, बहुत ही सक्रिय मार्ग से निकलती है, इसीलिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। बच्चों अब आइए हम संयुक्त व्यंजन पर चर्चा करें कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि छ, त्र, ज्ञ और स्र जो व्यंजन है, मतलब ये जो व्यंजन है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों हम ये देखें कि इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं। तो बच्चों जब हम यहां पर ये देखते हैं कि ये जो चारों व्यंजन है यह क्या है, दो व्यंजनों के योग से मिलकर के बने हुए हैं। कितने व्यंजन, दो व्यंजनों के योग से मिलकर के बने हुए हैं, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखें कि ये किन किन व्यंजनों से मिलकर के इनका निर्माण हुआ है। तो पहले हम ये देखेंगे कि छ के बारे में, छ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो छ जो है क और श के योग से मिलकर के बना हुआ है। किनके, क और आधा क और श के योग से मिलकर के बना हुआ है, अतः हम इन्हें क्या कहेंगे, ये क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन हुआ, क्योंकि यह दो व्यंजनों के योग से मिलकर के बना हुआ है। इसी तरह से त्र है, त्र जो है त और र व्यंजनों के योग से मिलकर के बना हुआ है, आधा त और र व्यंजनों के योग से मिलकर बना हुआ है। अब आइए हम देखें ज्ञ के बारे में। तो ज्ञ जो है वह ज और य के योग से मिलकर के बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ज और य के योग से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए हम इसे भी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आइए हम जानकारी प्राप्त करें श्र की। तो श्र जो है हमारा वह श और र के योग से मिलकर के बना हुआ है, अतः यह भी दो व्यंजनों के योग से मिलकर के बना है, अतः इसे भी हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। बच्चों इन सब के अतिरिक्त भी कुछ अन्य और वर्ण हैं, आइए उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करें कि उन्हें क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं हम अब अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि अयोगवाह जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं और उन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जो वर्ण न तो स्वर में आते हैं, और न ही व्यंजन में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग, अह और अंग, अह और अ, ऊपर चंद्रबिंदु है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम अयोगवाह कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि न इनकी गिनती स्वर में होती है और न ही व्यंजन में होती है। आपने स्वरों को भी जाना था और आपने अभी व्यंजनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी, ये न तो स्वर में आए थे और न ही व्यंजन में आए थे,
क्योंकि ये अयोगवां है, ठीक है, न ये तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। तो बच्चों इन सब के अलावा अब हम आइए अनुस्वार वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये अनुस्वार क्या होते हैं। तो अनुस्वार जो है अंग को अनुस्वार कहते हैं, ये अंग है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो इसके उपरांत अब आइए हम अनुनासिक के बारे में, अनुनासिक के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। तो अनुनासिक जो है आ ऊपर चंद्र बिंदु, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अनुनासिक कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अनुनासिक कहेंगे। अब आइए हम विसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि विसर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों अह को जो है वह विसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं अह को, अह को विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों आप सबने वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की, आपने जाना ही कि हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, जो भी आवाज निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों की जो व्यवस्थित समूह है या वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की कि वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर जो है वह 11 होते हैं, व्यंजन 39 होते हैं। इनके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इनके अतिरिक्त आपने स्पर्श व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की, अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की, ऊष्म व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की और जो है संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन व्यंजनों के अलावा भी हमने ये देखा कि संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों के योग से मिलकर के बने हुए हैं, यह हमने जाना। और इसके बाद में हमने जाना कि अयोगवाह क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं और विसर्ग क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों आज के इस वीडियो में और इस पार्ट से बस इतना ही।